का नाम निर्मल कौर है और जी अबदाल गांव के रहने वाले हैं। और जी सिस्टर की गवाही जी है, ये सिस्टर भी संडे की मीटिंग में आए थे वर्ड ऑफ ऑयल। और जिस दिन जी संडे की मीटिंग में आए थे और जी सिस्टर बता रहे कि इनकी प्रॉब्लम ये थी कि 3 साल से इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी और 3 साल हो चुके थे कि बहुत सारी मेडिसिन खाते थे। और जी सिस्टर बताते कि जैसे मैं मेडिसिन खाती थी फिर इन्हें पीरियड्स आते थे। कभी कभी मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनके 2 से 3 महीने ऐसे निकल जाते थे, फिर भी पीरियड्स नहीं थे आते और जो बहुत परेशान थे। और जैसे ही उस दिन जो सिस्टर ने ऑयल वर्ड ऑफ ऑयल को अप्लाई किया और जो बताते कि अगले दिन ही मंडे के दिन ही इनको पीरियड्स आ गए। और आज ये सिस्टर बिल्कुल उस चीज़ से परमेश्वर ने इसको आज़ाद कर दिया जो बहुत परेशान थे और जो बहुत सारी जो मेडिसिन खा चुके थे। और जो इन्होंने जो बेटा है इसकी भी टेस्टामेंट इज है कि इसकी बॉडी में खारिश की प्रॉब्लम थी, 3 महीने हो चुके थे इसकी पूरी बॉडी में खारिश थी और इन्होंने भी बहुत सारी इस बेटे को मेडिसिन लेकर दी। और उस दिन इस बच्चे को भी इन्होंने ऑयल को अप्लाई किया इसकी बॉडी के ऊपर और ये बता रहे कि उस दिन से इसकी बॉडी से भी खारिश की प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छी हो गई है, निशान ही रह गए बस इसकी बॉडी में, बाकी परमेश्वर ने इसको बिल्कुल इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया है। और सुनो सुनो, इनको पीरियड की प्रॉब्लम कितने साल कितने समय से? हाँ, 3 साल से। 3 साल से। और 3 साल से अब लगातार मेडिसिन खाते रहे। जब मेडिसिन आप खाते थे, मेडिसिन खाने के बाद भी वो पीरियड्स 2-3 महीने के बाद आते थे, ऐसे था? और जिस दिन आप पिछले संडे वर्ड ऑफ ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, हाँ, और उस दिन उसी दिन से कि अगले दिन से जो 3 साल की प्रॉब्लम थी पीरियड की, जो 3 साल से ये मेडिसिन खा रहे थे पर अच्छी नहीं हो रही, और मेडिसिन खाने से भी 2-2, 3-3 महीने लगते थे, और जिस दिन से इन्होंने पिछले संडे उस वर्ड ऑफ ऑयल को विश्वास से अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया उसी दिन से ये कहते हैं क्या है, हाँ बोलो बोलो, परमेश्वर है कि नहीं है? क्योंकि जो वचन उसकी ओर से होता है लिखा वो प्रभाव रहित नहीं है, वो काम करता है। जो वचन किसकी ओर से आता है, सबके लिए है कि एक के लिए, कि सिर्फ इन इन जितने जो लोग खड़े हैं इनके लिए, सबके लिए ना? सबने उसको विश्वास के साथ अपने जीवन में लेना, उस बात को क्या लेना है। और आप भी गवाही से आ चुके हो, तारीफ करो इस गवाही के लिए। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। नहीं नहीं खड़े रहने दो। और नेक्स्ट जी सिस्टर का नाम मीनू है और जी वल्ला गांव के रहने वाले हैं। और जी सिस्टर की गवाही जी कि काफी समय से इनको खांसी की प्रॉब्लम थी और जैसे जी रात को खांसी करते थे इनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती थी। और जी सिस्टर भी बता रहे कि जिस संडे की मीटिंग में आए और जिस सिस्टर ने भी ऑयल वर्ड ऑफ ऑयल को जैसे ही अपने गले में लगाया और जो बता रहे कि उस दिन से जिनको खांसी आती थी सांस लेने में प्रॉब्लम थी आज उस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। कितने कितने समय पहले थी? 2-3 महीने। 2-3 महीने इसके लिए आपने मेडिसिन खाई? जी, कितनी खाई? 2-3 महीने लगातार खाई पर मेडिसिन खाने से भी आराम नहीं मिला नहीं। और आपने भी उस संडे वर्ड ऑफ ऑयल को अपनी बॉडी पे अपने गले पे अप्लाई किया और उस दिन से क्या हुआ? फ्री हो। तारीफ करो सर, तारीफ करो। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट। जिस सिस्टर का नाम जसबीर है और जेवल्ले गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे है कि 4 साल से इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, इनसे चला नहीं जाता था, अच्छे से बैठा नहीं जाता था और घर का जो काम करते थे उसमें भी इनको दिक्कत रहती थी और ये बहुत परेशान थे। और ये काफी समय से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं पर जी विश्वास के साथ हर मीटिंग को अटेंड करते थे, संडे और थर्सडे के मीटिंग में आते थे और जैसे ही हीलिंग प्रेयर होती थी जी सिस्टर विश्वास के साथ हीलिंग प्रेयर को भी रिसीव करते थे, पर फिर भी जो विश्वास जो मन हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो विश्वास दे नहीं थे पा रहे, जो इनके घुटनों की प्रॉब्लम ऐसी थी। और जैसे जब भी सिस्टर मीटिंग में आए और सिस्टर ने ऑयल को वर्ड ऑफ ऑयल को अपने ऐसे घुटनों में अप्लाई किया और अभी जो बता रहे कि उस दिन से लेकर आज तक इनके घुटनों की प्रॉब्लम परमेश्वर ने बिल्कुल अच्छी कर दी है, अभी जो बैठ भी सकते हैं और घर का काम भी कर रहे हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अभी
हाँ देखो, चार साल से ये, जब से हमने ये मिनिस्ट्री शुरू की है, ये तब से हमारे साथ है, हाँ। और ये प्रॉब्लम इन्हें चार साल से थी, और ये जब भी मैं प्रेयर हीलिंग करता था, ये विश्वास तो करते थे, मगर वो चीज जा। इसलिए परमेश्वर जानता है आपके मन में क्या है और कैसे आप हील हो सकते हो, उस चंगाई को किस तरीके से आप ले सकते हो। कौन जानता है, कौन जानता है? इसलिए ये वर्ड ऑफ ऑयल, क्योंकि ये मिनिस्ट्री तेल और पानी की बातें नहीं बताती। बोलो कि तेल और पानी से क्या हो जाए, आपकी चंगाई हो जाएगी। ये अनॉइंटिंग ऑयल, ये अनॉइंटिंग वाटर पियो और लगाओ, हाँ। और क्योंकि उस तेल को मैंने कहा ना, ना तो मैंने उस पर प्रार्थना की और ना ही मैंने उसको अनॉइंट किया। क्या किया? हाँ, सिर्फ मैंने उस वर्ड को, उस शब्द को दिया जो परमेश्वर ने मुझे दिया, हाँ। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर जानता है किस तरीके से अंधा, परमेश्वर जानते थे कि अंधा किस तरीके से अपनी चंगाई को वो ले सकता है, हाँ। मिट्टी को लगाने से, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि जा विश्वास कर और देख, उसके मन को कौन जानता था? परमेश्वर जानते थे। इसीलिए उसी के मन के हिसाब से यीशु मसीह ने वैसा ही किया जिससे वो अंधा देखने लगा, हाँ। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी जानता है कि आपको वो कैसे हील करना चाहता है। इसलिए ये वर्ड ऑफ ऑयल जो मीटिंग है, जो खुदा ने मुझे ये वचन दिया और आपने इस वचन को विश्वास के साथ रिसीव किया और उस तेल को अपने ऊपर अप्लाई किया, अभी चार साल से क्या है, ये फ्री है, हाँ। इन सब गवाहियों के लिए, उस परमेश्वर के लिए और अपनी गवाही के लिए भी, जितने ऑनलाइन है, जिन्होंने इस वर्ड ऑफ ऑयल को अप्लाई किया अपनी बॉडी के ऊपर, चाहे ऑनलाइन है, जो जहां भी, अपनी गवाही के लिए और इन गवाहियों के लिए यहोवा परमेश्वर की तारीफ करो, ऊंचा 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 हाथों को हलाते हुए, आमेन, हालेलुया।